हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए और इसे भिगो कर खाना चाहिए या फिर ऐसे ही। आज हम आपको अखरोट के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट जरूर खाएँ। अखरोट खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मददगार होता है। अखरोट खाने से दिमाग तेज और एक्टिव बनता है। साथ ही अखरोट आयरन, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेल्सियस जैसे तत्वों का भंडार है। ज़्यादातर लोग अखरोट को बिना भिगोए ही खा लेते हैं क्योंकि एक बहुत गलती करते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको अखरोट खाने का सही तरीका और सही मात्रा के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि अखरोट खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए। आपको रोजाना 2-3 अखरोट जरूर खाने चाहिए। हालांकि ज़्यादा मात्रा में अखरोट खाने से आपको परेशानी भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे खाएं अखरोट। सर्दियों में आप चाहें तो बिना भिगोए भी अखरोट खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको अखरोट को भिगोकर ही खाना चाहिए। आप रात में अखरोट को पानी में भिगो दें, सुबह इसे खा लें। इस तरह अखरोट खाने से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अखरोट खाने के क्या क्या फ़ायदा है। चलिए हम आपको बताते हैं। जो लोग रोजाना अखरोट खाते हैं उनके दिमाग की शक्ति बढ़ती है। अखरोट दिमाग को तेज बनाता है। हार्ट के लिए अखरोट काफ़ी फायदेमंद है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिल की बीमारियों से दूर रखता है। इतना ही नहीं, अखरोट खाने से टेंशन दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है। दिमाग को शांत करने के लिए आपको अखरोट खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर की मरीज अखरोट जरूर खाएं। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और एनर्जी बनी रहती है। अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इससे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों, यह थे कुछ अखरोट खाने के फायदे। आशा है आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।